हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करने वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन तीन पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। आपको इनको काय के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी एंड क्यू क्या रहेंगे यहाँ पर, इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर, जीरो। ओके, तो यहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे वह अपन यहां पर ध्यान से समझेंगे। ओके, तो यहां पर अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 का बार। तो यहां पर आप ध्यान समझिएगा, पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप है इसे करने के लिए क्या लिखना होगा, x.0.6 का बार। जो क्वेश्चन है आपको सेम एज इट इज x इक्वल टू लिख देना होगा। अब यहां पर आपको लिखा है 0.6 की बार दिया हुआ है। बार मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब ये क्या होता है, रिपीटेड टर्म। रिपीटेड टर्म मतलब ये बार बार आ रहा है। ओके, बार मतलब बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल टू ये हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 666 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या बोलना होगा, दिस इज अवर, आपको यहां पर दिस इज अवर बोलना होगा इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब यहां पर आपने देखा कि ये 6 के ऊपर बार था, मतलब बार कितने के ऊपर था, एक ही के ऊपर बार था। तो यदि एक के ऊपर बार हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, दो के ऊपर बार हो तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तीन के ऊपर बार हो तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 1000 से। ओके, तो यहां पर मैंने देखा बार जो है वो एक के ऊपर है, इसलिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, एक ही के ऊपर बार है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखिए 10 इंटू एक्स क्या होगा यहाँ पर, 10x। और यहाँ पर जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो एक बार ये जो पॉइंट है वो आगे चले जाएगा, इसका मतलब 6.666 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी, आपकी सेकेंड होगी। ओके, आपने क्या करा, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन था उसे आपने देखा बार एक के ऊपर था इसलिए रिपीटेड करके फर्स्ट इक्वेशन, एक के ऊपर बार था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करके ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना होगा, ये इक्वेशन नंबर टू को माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर वन से। ओके, इक्वेशन नंबर टू को माइनस करते इक्वेशन नंबर वन से, तो एलएचएस से एलएचएस मतलब 10x माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, 10x माइनस एक्स। और यहां पर आप देखेंगे 6.6 पॉइंट के बाद एक ही नंबर ले लीजिए, माइनस करना होगा आपको यहां पर 0.6 को। तो आप देखेंगे 10x माइनस एक्स होता है 9x, और 6.6 में 0.6 क्या करना है, माइनस। तो यहां पर देखिए 6.6 माइनस 0.6 मतलब 6 माइनस 6 जीरो, और यहां पर बचा 6, इट मीन्स ये है 6। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और 9 अपॉन में, इट मीन्स यू टू जस्ट 6, 3, 3 या 9। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो 2/3 के फॉर्म में जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2/3। पी बाय क्यू के फॉर्म में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2/3। ओके, आपको यहाँ पे पी बाय क्यू के फॉर्म में बताना था, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो कितना आ चुका आपका, 2/3 आपने पी बाय क्यू के फॉर्म में बता दिया है। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। और नेक्स्ट पार्ट इज 0.47 के ऊपर बार है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर अपन ने सीखा है जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और पी बाय क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले उसे लिख दीजिए x इक्वल टू 0.47 बार। ये आपको यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, गिवन है। अब आपको ये पता होना चाहिए यहां पर जो बार लगा हुआ है वो किसके ऊपर लगा हुआ है, 7 के ऊपर। 7 के ऊपर लगा हुआ है मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार आएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0.4777 मतलब 7 रिपीट होगा। तो इसके लिए इसे क्या बोलेंगे, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहां पर अपन लोगों ने क्या बोल दिया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर आप देखेंगे बार जो है वो कितनी टर्म्स के ऊपर है, सिर्फ एक ही टर्म्स के ऊपर है। तो एक टर्म के ऊपर है मतलब मल्टीप्लाई कैसे होगा, बाय 10 से। दो के ऊपर है मतलब कैसे होगा, 100 से। तो यहां पर एक ही के ऊपर बार है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो आपने देखा 10 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर 10x, और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आके जाएगा, इसका मतलब 4.77। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, तो आपको ये इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर वन से। ओके, तो यहाँ पर एलएचएस से एलएचएस माइनस मतलब 10x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर
पर क्या होगा 4.7 में से, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर ले लीजिए, 4.7 में से माइनस करना होगा 0.4 को, क्या करना होगा 0.4 को क्या करना होगा माइनस, पॉइंट के बाद एक ही नंबर ले लीजिए ओके। तो इस तरीके से आपको माइनस लिखना होगा। फिर आप देखिए 10x-x हो जाएगा यहाँ पर 9x, फिर आपने देखा 4.7 में से आपको माइनस करना है 0.4, तो आप देखिए 7 में से 4 गए 3, देन 4 में 0 गए 4, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.3 आएगा ओके। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 4.3 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 ओके, क्या हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट को जब अलग करेंगे तो यहां पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 90। तो x की जो फाइनल वैल्यू पी बाय क्यू के फॉर्म में होगी वो कितनी होगी 43/90 ओके। तो इस तरीके से आपकी पी बाय क्यू के फॉर्म में वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट होगी ओके। तो इस तरीके से आपका सेकंड वाला पार्ट क्या होगा कंप्लीट होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, हियर अवर नेक्स्ट पार्ट इज अ 0.001 और जो बार लगा हुआ है वो 001 के ऊपर लगा हुआ है, मतलब तीन टर्म्स के ऊपर बार है। तो इसे किस तरीके से करेंगे अपन यहां पर समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होती है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स इक्वल टू लिख दीजिए 0.0001 बार ओके, लिख दिया आपने। अब बार का मतलब क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ओके। तो यहां पर एक्स इक्वल टू जो रहेगा 0.001001001 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर अपन ने इसे क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे जो टर्म्स है जिसके ऊपर बार है, मतलब कितने टर्म्स है, ये तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स से मतलब काय से मल्टीप्लाई होगा 1000 से ओके। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड बोथ साइड, क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड। तो आपने देखा 1000 × x क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000x, और 1000 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 के बाद आ जाएगा, तो इसका मतलब 001.001 हो जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर 1 से, तो LHS से LHS माइनस, इट मीन्स ये 1000x को माइनस करना होगा इस x से, और यहाँ पर आप देखेंगे 001.0 पॉइंट के बाद एक ही नंबर ले लीजिए, माइनस करना होगा 0.0 को, तो इट मींस आप देखेंगे ये 1000 में से x गया तो ये कितना बचेगा 999x इज इक्वल टू 1 में से 0 का, तो यहां पर क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/999/, तो इसका मतलब जो पी बाय क्यू के फॉर्म में जो थर्ड पार्ट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1/999 ओके। तो इस तरीके से अपना थर्ड वाला पार्ट क्या होगा सॉल्व होगा ओके। सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज कंप्लीटेड, इफ एनी डाउट देन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स ओके। थैंक यू।